ठीक है, ठीक हो गया। ये हमारा गिराज का एरिया है, ये इसका ड्राइंग रूम वॉशरूम। सही, ये हमारे अंदर पेंट्री का काम अंदर कर रहे हैं हमारे। ये इसका टिन लॉन्च, ये इसका किचन, ये पैशियो। माशाल्लाह, ओपन टू स्काई। ये इसका बेडरूम, इसके साथ ये बेडरूम जबरदस्त हो गया। ठीक है भाई, ये वॉशरूम इसके साथ। सही, ये कमोड सीट दोनों है सर। ये बेडरूम इसके साथ, ये वॉशरूम, सीलिंग के डिजाइन भी अतीक भाई आपने दिए। नहीं, सीलिंग के नहीं, सिर्फ सीलिंग फ्री है। डक्ट सिस्टम है सारा, ये देखिए डक्ट सिस्टम। उधर से इस कमरे में, इसमें ये देखिए ऊपर चीलर का पॉइंट है इसका। ये निश्चित जो बनवाएंगे डिकोर में करा दिए, छोड़ हमें दी थी। सही, बहुत अच्छा। और ये ऊपर ये स्टेयर जो है, ये ग्रेनाइट का है, आपने बताया था लगाने के लिए। जबरदस्त हो गया। ये सीटिंग एरिया, सही। ये स्टेयर उन्होंने अपने आप ही मोदी काफी में सीधी देनी है, दूसरे स्टेयर हम बना रहे थे, लेकिन ऐसे ये स्टोर है। ये आगे पीछे सीलिंग के लिए लेना है। ये सेम वही बेडरूम आ गया। अब इसकी रोशनी है ना, इधर ड्रेसिंग लग जाएगी सामने। ये इसकी वॉशरूम, ये वॉशरूम है। ये 5 कमरे का है। माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। जब मैं आपको ना टैग डालूंगा, मुझे व्हाट्सएप करना फिर आपने। ये ठीक है, ठीक हो गया। ये दुकान वीडियो है इसे ये हमारा मेन हॉल है। जबरदस्त हो गया, ये तो खुला है एकदम से। हाँ जी, खुला कर दिया। ये निचला कमरा ड्राइंग रूम साफ करके ना एक कर दिया, अटैच करके एक कर दिया, जिसके साथ वॉशरूम अटैच कर दिया। ये 4.25 भाई आपका, 4.25 का। सही, टेरेस आ गया देख भाई। जी, ये टेरेस आ गया हमारा, ये बालकनी है सर। चले हैं देख भाई ऊपर। जी चले। ये हमारा इसका सेकंड फ्लोर,
सही ये ऊपर चिल्लर लगा देख भाई ये चिल्लर सर ये इधर चिल्लर का पॉइंट लग गया चिलर पॉइंट दे दिया नीचे स्टीयर माउंटी एरिया सर इसका सही चलें तेग भाई चलें आज ये अपनी जो निकाली ना किस तरह बाहर निकालनी है ये चीज का ये दो भाई दो भी टाइप बहुत प्यारा डिजाइन बनाया था कि भाई आपने पांच मरले में जान डाल दिया आपने खास तौर पे तीक भाई जो आपकी स्टेयर होती है ना वो बड़ी जबरदस्त होती है उसकी सेटिंग वगैरह जो रहती कर दे
अच्छा तो एक भाई इसके ऊपर कितनी लागत आई है वेल्डिंग के ऊपर? इसके ऊपर अभी तक फिनिश होने का तकरीबन ये आ जाएगा 70 के करीब चला गया लैक्स, 70 लैक्स के करीब पहुंच गया जी। मटेरियल एक क्लास लगवा रहे हैं सर इसमें ना, ये अपन सही जी। अच्छा तेज भाई, ये आपकी जो नक्शा बनाने की इसकी मजदूरी क्या होती है और क्या हिसाब किताब रहता है इसका? सर 30 रुपये स्क्वायर फीट। अच्छा तो इसमें क्या क्या रहता है? हम इसमें वायरिंग, सीवरेज और उसके बाद फिशर ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग जी ठीक है, और विजिट फीस हमारी जो होती है वो एज पर साइड होती है सर। सही जी। सो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि डेली बेस पे हम आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड कर सकें।